हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा बेन 10 को देखते देखते। हम सभी को काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं बेन 10 को देखते देखते, तो इस वीडियो में मैंने पांच कुछ ऐसे क्वेश्चंस को बनाया है जो कि आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। और गाइस इसका पार्ट 4 होने वाला है, इससे पहले भी 3 पार्ट आ चुका है आपके क्वेश्चंस पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या एक क्लॉकवर्क एक एटॉमिक से ज्यादा पावरफुल है? यानी कि कुल मिलाकर एटॉमिक और क्लॉकवर्क में ज्यादा पावरफुल कौन है? देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बेन 10 के फैंस कि आखिर क्लॉकवर्क ज्यादा पावरफुल है या फिर एटॉमिक ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम सभी को पता है कि नंबर 1 पर बैठा है एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल एलियन है नहीं। सेकंड नंबर पर कौन है, क्लॉकवर्क या फिर एटॉमिक्स? देखो इसका जो आंसर है वह है एटॉमिक्स। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं क्लॉकवर्क ज्यादा पावरफुल है, क्लॉकवर्क ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम को रिवर्स कर दिया था और वहाँ पर एटॉमिक्स नहीं रोक पाया था क्रोनोसेपियन टाइम बॉम को। तो देखो इसके पीछे क्या हो सकता है, देखो एटॉमिक्स इसलिए नहीं रोक पाया क्रोनोसेपियन टाइम बॉम को क्योंकि एटॉमिक्स का पूरा एबिलिटी उसमें नहीं था। हम सभी को पता है कि हाफ एलियन एक्स का भी पावर था। तो अगर हम लोग एक को ले, मतलब कि यहाँ पर एलियन एक्स को हटा दे और सिर्फ एक को एटॉमिक्स को ले, तो एटॉमिक्स का फुल एबिलिटी हमें कभी भी दिखाया नहीं गया है। दिखाया भी गया है तो बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है एटॉमिक्स को। क्लॉकवर्क को काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, बड़े बड़े चीजों में क्लॉकवर्क को दिखा दिया गया है, पर एटॉमिक्स को हमें ज्यादा दिखाया नहीं गया है। हमें फुल एबिलिटी कैसे पता चलेगा अगर नहीं देखने को मिला है तो। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एटॉमिक्स है वो नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर यहाँ पर क्लॉकवर्क है। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर एनर्जी के 2 ओमनीट्रिक्स क्यों होते हैं? आप सभी को पता होगा कि एनर्जी के चेस्ट में हमें देखने को मिलता है एक ओमनीट्रिक्स, और जब एनर्जी अपने सूट से बाहर आता है तो उसके कमर में हमें एक ओमनीट्रिक्स देखने को मिलती है। यहाँ पर 2 ओमनीट्रिक्स है। आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट था कि यहाँ पर 2 ओमनीट्रिक्स क्यों मिलता है एनर्जी को, क्या कुछ स्पेशल पावर है एनर्जी के पास? तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्पेशल पावर नहीं मिलती है एनर्जी को। और बेन 10 के क्रिएटर ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये एक एरर है, यानी कि एक ग्लिच है। ज्यादातर लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं, पर कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो कि नोटिस कर लेते हैं, तो वो जो है क्वेश्चन पूछते हैं बेन 10 के क्रिएटर से, और बेन 10 के क्रिएटर ये बोलते हैं कि ये गलती से हुआ है, मतलब कि ये एक एरर है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, आखिर कूपर कौन है? देखो कूपर को लेकर मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि कूपर आखिर है क्या चीज, कूपर आखिर इतना सारी चीजें कर कैसे लेता है। तो देखो कूपर जो है वो काफी कुछ कर सकता है, जैसे कि टेक्नोपैथी। इसका मतलब क्या होता है, चलिए गूगल में हम लोग सर्च करके देख लेते हैं। टेक्नोपैथी का मीन्स होता है एक साइंस फिक्शन या फिर एक अनकाउंटेबल, यानी कि अ फिजिक्स एबिलिटी टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड और रीड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक के जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सबको अपने वश में कर लेना, मतलब कि वश में नहीं एक तरह से कंट्रोल करना, काफी सारी चीजें जो है वो कूपर कर सकता है। अब कूपर को ये पावर मिला कहाँ? तो देखो ग्रैंपा मैक्स के जो फ्रेंड थे उनकी ही वाइफ एक अलग चीज से थी, मतलब कि एक अलग प्लेनेट से थी, एक अलग स्पीसीज थी, तो उसी से कूपर का जन्म हुआ। तो हमें ये बात बताया नहीं गया कि उसकी वाइफ आखिर है कौन, पर यहाँ पर जो कूपर है वो ये सब चीजों को आराम से कर लेता है। अब आपके मन में ये जो सवाल है वो हट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एक एलियन एक्स एक एनोडाइट को हरा सकता है? मतलब कि एलियन एक्स और एनोडाइट में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? तो मैंने इस चीज को सर्च किया था गूगल पे, मुझे फैंडम की तरफ से ये बात कंफर्म पता चला कि यहाँ पर जो एक एलियन एक्स है वो एक एनोडाइट को आराम से मार सकता है या फिर हरा सकता है। एक एनोडाइट जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बेन के कई सारे एलियंस को एक एनोडाइट हरा सकती हैं या फिर हरा सकता है, पर यहाँ पर एलियन एक्स को नहीं हराया जा सकता है। एलियन एक्स आराम से एक एनोडाइट को हरा सकता है और यहाँ पर एक एलियन एक्स जो है वो परफेक्ट विनर होगा। यानी कि जब हमें एक एनोडाइट और एक एलियन एक्स का या फिर एक सेलेस्टियल सेपियन का फाइट देखने को मिलेगा तो उसमें हमारा एलियन एक्स ही जीतेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेलजियन वर्सेस ओमनीट्रिक्स। आप सभी को पता होगा बिजी बॉक्स वाला एपिसोड जहां पर एंड में हमें एक अलग सी लेडी देखने को मिली थी जिसको हम लोग नेलजियंस के नाम से जानते हैं। उसके पास एक बिजी बॉक्स था जो कि एक टॉय था, जो कि एक लेवल 20 का डिवाइस था। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो ओमनीट्रिक्स है उसका भी लेवल 20 है और उस टॉय का भी जो लेवल है वो 20 है, मतलब कि सोच सकते हो कि एक टॉय जो है वो ओमनीट्रिक्स के बराबर है। तो क्या एक नेलजियन हरा सकता है ओमनीट्रिक्स को?
तो ऐसा हो सकता है, यस ये कंफर्म नहीं है पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक नेलजियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। सोच सकते हो नेलजियन के जो बच्चे होते हैं वह एक टॉय से खेलते हैं जो कि लेवल 20 का है, कितना खतरनाक टॉय है। और वही चीज़ को हम लोग ऑमनीट्रिक्स से ले लेते हैं जो कि ऑमनीट्रिक्स लेवल 20 का है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि जो नेलजियन से वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर यहाँ पर हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि यहाँ पर तो एलियन एक्स है, कैसे हारेगा। तो यहाँ पर जो कंफर्म नहीं है पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेलजियन जो है वो ऑमनीट्रिक्स से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि उनके बच्चे जो है वो ऑमनीट्रिक्स के बराबर किसी हथियार से खेलते हैं। तो सोच सकते हो एक नेलजियन ज़्यादा पावरफुल होगा, और क्या पता नेलजियंस जो है वो एलियन एक्स को भी हरा दे, क्योंकि ये बात हमें कभी भी बताया नहीं गया है। पर नेलजियंस के बारे में अगर हमें फ्यूचर में कोई न्यू सीरीज में बताया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हम सभी फैंस के लिए, क्योंकि नेलजियंस के बारे में हमें उतना कुछ पता नहीं चला है, और आगे हमें नेलजियंस के बारे में कुछ पता चलता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।